हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फूडीज। एक और नया दिन एक और नई डिश के साथ आज मैं फिर से एक हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोगों ने रवा इडली खाई होगी, चावल की इडली खाई होगी, बट आज मैं थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की पोहा इडली की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बिल्कुल चावल की इडली जैसे सुपर सॉफ्ट और स्पंजी बनते हैं। तो चलिए आज की एक मजेदार रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पोहा इडली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप पोहा लिया है और ये पोहा मोटे वाले पोहे लिए मैंने, और यहाँ पे मैंने हाफ कप सूजी लिया है, तो आप कोई सी भी सूजी ले सकते हैं, और यहाँ पे मैंने हाफ कप जितना दही लिया है। तो सबसे पहले हम इसका एक पेस्ट बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक मिक्सर ग्राइंडर लिया है, तो मैंने इसमें पोहे को एक फाइन पाउडर बना लेना है। तो देखिए पोहे का जो पाउडर है वो बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें रवा ऐड करूंगी और इसके साथ ही मैं दही ऐड करूंगी और इसे बिल्कुल अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूंगी। हमें इस तरीके से विस्कर से इसे विस्क करना है जिससे इसमें कोई लम्स ना पड़े। तो मैंने यहाँ पे टोटल हाफ कप पानी ऐड कर लिया है और अब मैं इसे ऐसे 10 से 12 मिनट ढककर रेस्ट के लिए रखूंगी। तो 10 मिनट हो गए हैं, हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी और ऐड करूंगी। हमें इसका बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाना है तो मैंने यहाँ पे हाफ कप पानी और ऐड किया है। तो ये पेस्ट रेडी है। तो अब मैं इसमें हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करूंगी और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड करूंगी और इन्हें बिल्कुल अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ज्यादा इसे विस्क नहीं करना है। तो ये जो पेस्ट है वो बिल्कुल रेडी है। अब मैंने यहाँ पे इडली मोल्ड ले लिया है और इसे बिल्कुल अच्छे से मैं ग्रीस कर लूंगी। तो ये जो बैटर है अब मैं इसमें डाल दूंगी। तो इस तरीके से एक बार सेट कर लेंगे और अब मैं इसे स्टीम होने के लिए रखूंगी। तो मैंने इडली पॉट पहले ही हीट होने के लिए रख दिया था, तो अब मैं इसमें मोल्ड अंदर रखूंगी। और 10 से 15 मिनट हम इसे स्टीम करेंगे। तो देखिए मेरी जो पोहे की इडली है वो स्टीम हो गई है, एकदम परफेक्ट इडली बनी है। ये देखिए इतनी सुपर सॉफ्ट है, एकदम चावल की इडली जैसी सॉफ्ट है। ये देखिए एकदम बढ़िया सी स्पंजी है एकदम। तो मैंने इसे नारियल की चटनी के साथ सर्व किया है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और साथ ही साथ बनाना बहुत ही आसान है। तो रेसिपी पसंद आए तो वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट्स करिएगा, और अगर अब तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए घर पर रहिए और सेफ रहिए।